हेलो स्टूडेंट, मैं रीता वर्मा डीएलएड की शारी शिक्षा की क्लास लेकर मैं फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं उसी पुरानी क्लास जो मैंने कल पढ़ाई थी, तो उस क्लास को लेकर के मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। उसे और क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो दो पार्ट्स मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे आपको, दो पार्ट्स उसके योग के, अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? आठ उसके मार्ग हैं, उसी को अष्टांग योग कहते हैं। आठ मार्गों, मैंने दो मार्ग आपको बताए थे, तो दो मार्ग कौन कौन से थे? यम और नियम, ठीक है। यम के भी पांच पार्ट थे और नियम के भी पांच, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आसन। आसन क्या है? आसन जो है वो अष्टांग योग का तीसरा सोपान है, ठीक है। तीसरा स्टेप है, तीसरा सोपान है क्या? आसन। तो आसन आपको समझ में आया कि आसन क्या है? यह योग का तीसरा सोपान, ठीक है। तो इसे हम आगे देखते हैं। आसन को स्थिर तथा सुख देने वाली बैठने की मुद्रा को आसन कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आसन, आज आसन को योग का पर्याय और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त करना माना जाने लगा है। प्राचीन काल में आसन के कई सारे रूप और भेद समझ में आते थे, लेकिन आज आसन को सिर्फ रोगों से मुक्त करने का जो साधन ही माना जाता है आसन को, ठीक है। आसन कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कुछ आसनों के बारे में बता दूंगी मैं इस क्लास में आपको, और आसन तो बहुत सारे हैं। तो आज आसन के योग का पर्याय क्या हो गया है? आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोगों से मुक्त करना, रोगों से बचाना, इसी को माना जाता है, ठीक है। आसन के कई सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे, और कुछ जैसे कि वीरासन, ताड़ासन, पद्मासन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं। तो मैं किस दिन क्लास में आपको सारे आसनों को पिक्चराइज कर दूँगी, बता दूँगी उनके बारे में। तो आसन के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। फिलहाल आसन जो हम आपके सामने कुछ बता रहे हैं, तो कुछ आसनों को आप जान लीजिए, वीरासन, ताड़ासन, पद्मासन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और इसमें आपका सूर्य नमस्कार, इसमें भी कई आपके आसन आ जाते हैं सूर्य नमस्कार में भी। तो अगर आगे क्लास में और कंटिन्यू से लूँगी तो उसमें सूर्य नमस्कार के बारे में भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आसन करने पर गौर रूप से शारीरिक लाभ होते हैं। आसन करने से शारीरिक बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसका जो आसन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके, उसे आसन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वह मुद्रा जिसमें शरीर स्थिर और लंबे समय तक सुखपूर्वक आसानी से बैठा रहे, उसे आसन कहा गया है। और आसन तो बहुत प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया है, आसन बहुत सारे हैं। और जल्दी मैं क्लास जब दूँगी आगे, तो मैं उन आसनों को पिक्चराइज भी कर दूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आसन क्या है। आसन करने पर गौर रूप से शरीर को कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, कई सारी जो होती है सुविधाएँ और सुख प्राप्त होता है, ठीक है। आसन का मुख्य उद्देश्य तीन बातों पर डिपेंड करता है, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये चार पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये चार पॉइंट्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य इन पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में हम इनके बारे में आपको बताएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।